नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की तारीख है 14 अगस्त और हम आज का डेली 30 डिस्कस करने जा रहे हैं। कल डेली 30 नहीं आ पाया था, मैंने रिकॉर्डिंग की, पूरा कंप्लीट किया, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण आवाज नहीं आ पाई। फिर काम बहुत थे, इस समय कई करेंट अफेयर के वीडियोज देने होते हैं, कुछ और काम करने होते हैं, इस कारण से मैं फिर से उसको नहीं कर पाया क्योंकि रात बहुत हो गई थी। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, 20-25 लोगों ने, अच्छा लगा मुझे। वो लोग पूछ रहे थे डेली 30 क्यों नहीं आया। ठीक है, कोई ऐसे इंतजार करता है तो अच्छा लगता है, चाहे आपका हो, चाहे किसी कार्यक्रम का हो, चाहे मेरा हो। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में जनसंख्या और नगरीकरण के जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और 8 प्रश्न हम आज के करंट अफेयर पर करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। और दूसरा इसका कारण दिया हुआ है, कथन कारण का प्रश्न है कि औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अव्यवस्था का कारण है। ये जो दोनों स्टेटमेंट है, सबसे आप पहले समझिए कि कथन कारण के प्रश्नों को किया कैसे जाता है। कथन जो दिया होता है पहले उसको चेक करिए कि सही है कि गलत है। यहां पर ये कथन सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए और उस स्टेटमेंट को देखिए कि सही है कि गलत है। औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अव्यवस्था का कारण है, ये भी सही है, इसमें भी कोई कमी नहीं आ रही है। अब देखिए क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है पहले स्टेटमेंट का कारण है, उसकी व्याख्या कर रहा है, क्या जो दूसरी स्टेटमेंट में बात कही गई है इसी कारण से पहले स्टेटमेंट की घटना घट रही है। अगर ऐसा है तब इसका उत्तर होगा ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगर ये व्याख्या नहीं कर रहा है तो होगा कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। बाकी जो दो विकल्प हैं, अगर दोनों सही हैं तो मतलब दोनों गलत हैं तब तो अलग बात हो गई, और अगर वैसा विकल्प दिया होगा तब नहीं, तो इसमें एक होता है कि एक सही है एक गलत है। जैसे सी वाला दिया हुआ है कि ए सत्य है परंतु आर गलत है, और डी पे दिया होता है कि ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इस तरीके से आप पहले निकाल लीजिए फिर उसको टिक करिए। तो यहां पर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, नगरीकरण का कारण क्या है? ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति और नगरों की चुंबकीय विशेषताएं, ये सब कारण है नगरीकरण का। नगरीकरण क्यों होता है? ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में समानता नहीं है, वहां पे सुविधाएं अलग है नगरों में और गांवों में अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी है, ये सब कारण हो जाएंगे। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय गलियारे संबंधित है। नगरीय गलियारे का मतलब होता है नगरीय क्रियाकलापों से संबंधित जो क्षेत्र हैं और परिवहन सुविधा का जहां पर विस्तार होता है, और इन्हीं के कारणों से नगरीय गलियारे का विकास होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से ये संबंधित है। भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगरों को लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं? भारत की जनसंख्या के आधार पर नगरों को 6 वर्गों में बांटा जाता है, और इनमें से जो 6 वर्ग में से चौथा, पांचवा और छठा वर्ग है, इनको लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा वर्ग, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण का प्रश्न है। पहला देखिए, कथन फिर से पढ़िए, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। कहने का मतलब जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता चला जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन वैसे ही उसको फॉलो करता है, वो बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। अब देखिए, विकासशील जो देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है ठीक वैसे से देखो नगरों में बसने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे नगर डेवलप कर रहे हैं, नगरों में बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है एक आंदोलन के तौर पर। सब लोगों का आजकल सपना क्या है कि हम नगरों में जाके बस जाएं, वहां पर लोग कहते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, लोग कहते हैं वहां पर सारी सुविधाएं, लाइट रहती है हमेशा, सड़क अच्छी है और मेडिकेशन की अच्छी सुविधा है। अब दोनों बातें सही हैं। अब देखिए कि नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, तो पहला स्टेटमेंट सही था, और उसका कारण यह है कि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है, तो ये व्याख्या भी कर रहा है। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा क्या, आपने कहा कि ये जो उत्तर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा चूक कर गए। दूसरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। ये जो बात है, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, वहां तक तो सही है,
लेकिन विकासशील देशों में नगरीकरण को स्वयं में बढ़ाने का कोई आंदोलन चलाया नहीं जा रहा है, लोग चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन चलाया जा रहा है और वहां पे ले ले जाके बसाया जा रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं ये सिखा रहा था आपको कि ऐसे बस आप सोच लें और ऐसे सीधे बस हो जाए, ऐसे नहीं होगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से इसको समझिएगा मेरी बात को, इसलिए गलत करके मैंने दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, और दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। कई लोगों का कहना था कि कथन कारण की प्रश्न आप नहीं लाते हैं, इसीलिए मैं ये प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं। और इसमें देखिए, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, बिल्कुल सही है। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग गरीब ना हो तो वो नगरों में ना जाए, और नगरों में जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रीज नहीं होते हैं, वो गांव के जाने वाले लोग ही होते हैं, तो पहला सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, अगर शिक्षा का स्तर यहाँ उच्च हो जाए तो यहाँ पे भी लोग ऐसे रोजगार खोज लें, ऐसे डेवलपमेंट के साधन और हो जाए कि वहां जाना ना पड़े, तो ये दोनों बातें सही है और व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पहले की व्याख्या कर रहा है, तो ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट कथन है भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से नीचा है, नीचा इसलिए है कि भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण आबादी, वो अभी कितनी है, लगभग 68.84, लगभग क्या 68.84 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। और दूसरी तो और दूसरी बात क्या करिए, चीन से काफी नीचा है। चीन का क्या है, भारत के नगरीकरण से काफी ज्यादा वहां पर, वहां के केवल 10% के लगभग आबादी गांव में रहती है, बाकी सब शहरों में रहते हैं, छोटे छोटे उद्योगों का विकास हुआ है, तो पहला तो सही है। दूसरा है कि भारत में नगरीकरण 70% से अधिक है, तो आपको क्या पता है 68.84, तो ऐसा नहीं कि 70% के लगभग, लगभग अलग बात है, अधिक दूसरी बात हो गई, तो दूसरा गलत हो गया। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन पे पढ़ लीजिए। कभी कभी ये ऑप्शन भी ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं, तो जो आप आंसर टिक कर रहे हैं उसको पढ़ के टिक करिए कि क्या उसमें ऑप्शन में डिटेल में दिया क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है, उन्होंने कहा कि आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना और नगरीय सामाजिक वातावरण और सामाजिक परिस्थिति, ये सब अलग अलग होते हैं और इन्हीं के आधारों पर नगरीय परिवारों का अंतर उन्होंने बताया है, तो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के आधार पर उन्होंने ये बात की है। और ये जो टीके ओमेन है ये पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री हैं, नगरीय परिवारों को स्पष्ट करने के लिए ये सब प्रतिमान उन्होंने प्रयुक्त किए। अगला जो प्रश्न है, नगर जो है किसी ग्राम से भिन्न होता है, किस मामले में, सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, बिल्कुल होता है, नगरों के सामाजिक मूल्य अलग होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग। गांव में आप देखेंगे एक बाभन टोला होगा, एक ठाकुर टोला होगा, एक चमार टोला होगा, इस तरीके से बटा होता है, बुरा मत मानिएगा, ऐसा होता है ना, कोई आप ना समझिएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसे ही होता है, मैं गांव में रहता हूं तो मुझे पता है। पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना भी अलग होती है, गांव में अधिकतर अब तो नहीं लेकिन पहले संयुक्त परिवार मिलते थे, शहरों में एक व्यक्ति अपनी बीवी बच्चों को लेकर रह रहा है या अकेले रह रहा है, तो ये भी है। रहन सहन के तरीके के संदर्भ में, गांव का रहन सहन और शहर का रहन सहन अलग होता है। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में, गांव में बेसिक कार्य क्या है, खेती है या छोटे मोटे कुछ और काम, शहरों में नौकरी होती है और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हो चुका है तो इंडस्ट्री वाले कार्य होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकेशन के क्षेत्र में, मतलब हेल्थ के क्षेत्र में, ये सारे कार्य होंगे, तो सब सही है इसमें, इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सोचना सीखिए कि उत्तर निकालते कैसे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं कौन, जो प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन है, गंगा यमुना दोआब, यहाँ पे जनसंख्या खूब पाई जाती है, तो ये प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन हो गए, जहां पे जनसंख्या आकर्षित हो, तटीय उड़ीसा, यहाँ पर कोई क्यों रहेगा, चक्रवात आएगा उसका घर उड़ जाएगा, मड़िया रखी उड़ गया, यहाँ पे ये आकर्षित करने वाले साधन या प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन नहीं है। राजस्थान, मरुस्थल में रहना पसंद करेंगे, पानी पीने के लिए 15 किलोमीटर गगड़ी रात के ऊपर सर पे जाना पड़ेगा, और यहाँ तो आप टोटी खोलते हैं पानी आ जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तमिलनाडु में अवसर है, तमिलनाडु में आप रह सकते हैं, तो गंगा यमुना दोआब और चौथा तमिलनाडु, यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न में कुछ नहीं है, समझ लीजिए, इंटररिलेट कर लीजिए, आंसर देने में आप सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, कोई शक नहीं है इसमें, गंगा के मैदान में जनसंख्या क्यों आई, कुछ भी आप फेंक दीजिए पैदा हो जाएगा, कुछ भी आप
हल्का फुल्का काम कर लिए, जुताई बहुत ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी है, खेती कर लिए, अनाज हो गया। और हमारे यहाँ भारत की जनसंख्या बस खाने पे जोर देती है, सुबह से शाम तक, सुबह जब से होती है शाम तक क्या बनेगा आज, ठीक है। तो इसलिए ये आकर्षक, अब पता चला पहाड़ी क्षेत्र में कहीं ऊपर किसी को बसा दीजिए और वहां पर 5 किलो अनाज उगाने में हालत खराब हो जाएगी, तो वो सघन जनसंख्या का क्षेत्र नहीं होगा, वहां पे फुटकर लोग रहेंगे। अब वर्तमान की बात अलग हो गई है, अब जहां पे भी रोजगार होगा वहां लोग रहने लगेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ में भी आप मिठाई बेचने के लिए घर बना लेंगे, दुकान बना लेंगे, तो पहला सही है। और भारत में जो गंगा जो है भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, अब इसी कारण से वो उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, क्योंकि सर्वाधिक उपयोग कैसे होगा उसका, उपयोग ऐसे होगा सिंचाई के साधनों के तौर पर, उपजाऊ मिट्टी लाने के तौर पर, इस तरीके से उपयोग में लाई जाने वाली, मतलब संसाधन की दृष्टि से देखिए। और दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसी कारण से यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा बसी, ठीक है ना। राजस्थान में अभी भी जो डेंसिटी है वो कम पाई जाएगी, क्योंकि तो वहां पर एक एक छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, आश्रित कौन होगा। देखिए दो वर्ग हैं जो आश्रित होते हैं, एक है 0 से 14 आयु वर्ग का और दूसरा है जो 65 वर्ष से ऊपर है, 64 वर्ष से या 65 वर्ष से ऊपर का वर्ग है। यहां पर ध्यान से देखिए, तो एक 0 से 14 आयु समूह तो दिया है, बाकी पढ़िए 15 से 60 आयु वर्ग, तो ये जो होता है ये क्रियाशील समूह होता है, 60 वर्ष से अंदर आयु समूह तो ये भी क्रियाशील में आ जाएगा, और 50 से ऊपर ऐसी कोई कैटेगरी ही नहीं है, तो इसमें उत्तर डी हो जाएगा। घबराना नहीं है, पढ़ के देना है उत्तर, 0 से 14, क्योंकि ये बच्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई अभी कर रहे होते हैं, कोई ये कमाने वाला वर्ग नहीं होता है, ये अपने माँ बाप या जिनके पास ये रहते हैं उन पर आश्रित होते हैं। और फिर जब व्यक्ति रिटायर हो गया, अब आप कहेंगे पेंशन, खैर पेंशन अब खत्म भी हो गई है, पेंशन अलग बात है, लेकिन इनको आश्रित वर्ग में रखा जाता है क्योंकि ये क्रियाशील नहीं रह जाते हैं जो 64 से ऊपर के होते हैं। तो यहां पर उत्तर 0 से 14 डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है कथन ए और कारण बी है, इसमें कारण आर है, 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया। आपको लग रहा होगा जनसंख्या नगरीकरण में डेटा क्यों नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, डेटा बाद में आप अपने आप भी पढ़ लेंगे या मैं भी करवा दूंगा। 1951 से भारत में अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया गया, बिल्कुल सही है, भारत आजाद हुआ, परिस्थितियां सुधरी और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों को अब टेंशन कम रह गई, लोग इंजॉय करने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी। भारत के जनांकीय इतिहास में 1951 को जनांकीय विभाजक कहा जाता है, जनांकीय विभाजक 1951 नहीं 1921 को कहा जाता है, क्योंकि 1921 में ऐसा हुआ था कि पहली बार जनसंख्या में वृद्धि के बजाय घटोत्तरी देखी गई थी, कमी देखी गई थी, तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही हो गया। और इस प्रश्न को करना अब आपको निश्चित तौर पर आ गया है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जन्म तथा मृत्यु दर समान है और अंतः या बाह्य प्रव्रजन नहीं हो रहा है, जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने लोग मर जाते हैं, बच्चे ही नहीं मरेंगे, पैदा तो केवल बच्चे होंगे, कोई जवान कभी पैदा हुआ है या बूढ़ा कोई पैदा हुआ है, बच्चे पैदा होंगे लेकिन मरने वाली की जो संख्या है उसमें सारे लोग मरेंगे, बच्चे भी जवान भी बूढ़े भी महिला भी पुरुष भी सब भी, ये चीज समान है और अंतः या बाह्य प्रव्रजन नहीं हो रहा है, यानी कि जनसंख्या आ नहीं रही है और जनसंख्या यहां से बाहर जा नहीं रही है, सब कुछ सील्ड है, क्लोज्ड है सब, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि नहीं, स्थिर जनसंख्या ये भी नहीं, जनसंख्या की स्थिरता कहा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। शब्दों पे ध्यान दीजिए, बहुत अरबरा के क्वेश्चन मत करिए, मतलब हड़बड़ी में आपने क्वेश्चन कर दिया, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए कितना अनुमानित है, तो यह है 2.1, ठीक है, याद करिए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, 7 वर्ष से ऊपर की जो जनसंख्या है वो भारत में प्रभावित साक्षरता दर में गिनी जाती है, इससे नीचे की जनसंख्या नहीं गिनी जाती है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है, उच्च मातृ मृत्यु दर, क्या ऐसा है, बिल्कुल निम्न लिंगानुपात के, ये भी एक कारण है, महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, जबकि इस पे अब कंट्रोल बहुत हो गया है, उच्च बालिका मृत्यु दर, ठीक है, अगर बालिका मर जाएंगी, बालिकाओं की संख्या कम हो जाएगी तो लिंगानुपात प्रभावित होगा,
और बालिका भ्रूण हत्या ये भी एक कारण है, और बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, पहले ही टेस्ट करा लिए कि लड़की है कि लड़का है, ठीक है। तो ये सारे कारण हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिफल नहीं है वो वन्य जीवों में अभिवृद्धि, ये जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है। बाढ़ों में वृद्धि हुई है, जनसंख्या बढ़ी है, पर्यावरण जो संतुलित था वो असंतुलित हुआ है, प्रदूषण में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। कृषि योग्य भूमि में कमी आई है, ये भी सही है, क्योंकि लोगों ने घर बना लिया, ऑफिस बन गए, सरकारी बिल्डिंग बन गई, जैसे भी जो हुआ। और वन्य जीवों में अभिवृद्धि ऐसा हुआ भी नहीं है, इनकी में तो कमी भी आई और ये कारण भी नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है। जल्द ही हम आरओ यारओ के लिए एक क्रैश कोर्स भी टेस्ट सीरीज चलाने जा रहे हैं, 20 से 25 दिन का ये कार्यक्रम होगा। लग के तैयारी करेंगे और खूब अच्छे से आपको मैं लाइव क्लास दूंगा और उसमें टेस्ट होंगे, ये सारी चीजें हैं। आप इसको अगर चाहते हैं तो 6307281212 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, मैसेज आप डाल सकते हैं, उसमें आपको जानकारी दी जाएगी। और जिनको भी पीसीएस देना है उनके लिए भी ऐसा ही कार्यक्रम हम लेके आ रहे हैं, हर हाल में पास कराने वाला कार्यक्रम। थोड़ी सी मेहनत आप अगर अच्छे से कर देंगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही होगा, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, कथन है, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। बिल्कुल की जाती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। 2011 में हुई थी, 21 में फिर से होगी। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है, ऐसा कहां हुआ है? अधिकांशतः अपरिवर्तित नहीं, बढ़ जाती है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा और सही उत्तर सी हो जाएगा, ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, ये जनसंख्या की जनांकीय विशेषता है, रहन सहन का स्तर विशेषता है, लिंगानुपात इसकी विशेषता है ना, रहन सहन का स्तर थोड़ी ना विशेषता है, सॉरी, और ग्रामीण शहरी जनसंख्या विशेषता है। रहन सहन का स्तर से क्या मतलब है? ये जनांकीय विशेषता नहीं है, ये सामाजिक विशेषता हो सकती है कि समाज में कुछ लोग कैसे रह रहे हैं, हाई फाई मकान में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। आप भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाती है रातों रात अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, और लापरवाही में पूरी जिंदगी ऐसे अगर गुजर जाएगी तो ये दोबारा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप समझ लीजिए। तो बी इसका सही उत्तर जा जाएगा, रहन सहन का स्तर एक जनांकीय विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। माल्थस ने कहा था कि जो उत्पादन है वो अंकगणितीय क्रम में 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है, 1, फिर 2, फिर 2 का 4, 4 का फिर 8, 8 का 16 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, फिर 32, फिर 64, फिर 128 और फिर 256, फिर 512 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ज्यामितीय क्रम में बढ़ने की बात की थी इन्होंने जनसंख्या के बारे में। माल्थस जनसंख्या के बारे में बहुत रिसर्च है इनका, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, लेकिन अब ये लक्षित वर्ष रखा गया है 2070 का, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, तो ये बिल्कुल सही है। और भारत में वर्ष 1973 में 71 यहाँ पे दिया हुआ है, 71 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, मुझे 73 पता है तो मेरे मुंह से 73 ही निकल रहा है, सामने लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ रहा हूं लेकिन 73 निकल रहा है। इतनी प्रैक्टिस कर डालिए कि आपके सामने आंसर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आ जाए, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक सांविधिक निकाय है, इंस्टीट्यूशनरी बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण किस पक्षी का वास स्थान संकट में पड़ चुका है? और ये जो संकट में पड़ा है, ये हार्नबिल पक्षी का वास स्थान संकट में पड़ा है, और पापुम ब्रिजम फॉरेस्ट में यहाँ पर हार्नबिल की 3 प्रजातियां ग्रेट पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा पाई जाती है, लेकिन अब ये संकट से ग्रस्त हो रही है क्योंकि यहाँ पर वास स्थान उनका धीरे धीरे कट रहा है, वनों की कटाई हो रही है, ऐसा इसलिए हो रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट किस प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है? तो पक्षी अभयारण्य है और जैव विविधता क्षेत्र है, अगर ये आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति है?
दुनिया का चौथा इसमें देखा जाएगा तो भारत के जो सबसे बड़े हैं मुकेश अंबानी, उनको घोषित किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स अभी हाल में जारी किया गया है, इसमें घोषित किया गया है 80.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हो गई है। जियो में जो महीने में हम लोग रिचार्ज कराते हैं उनकी जेब में जाता है, उनको बड़ा बनाता है। कोई व्यक्ति स्वयं बड़ा नहीं होता है, उसको राष्ट्र बनाता है, एक समूह बनाता है बड़ा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अंबानी पैदा हुए थे बड़ा, उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई और उसमें हम लोगों ने मदद की तभी वो बड़े हैं। बी ऑप्शन हम लोगों का रेडी होना चाहिए उनको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। भारत में 2025 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है दूसरा। लेकिन पहला ध्यान दीजिए, इसने 2025 तक जो लक्ष्य रखा है वो कितना रखा है, 2025 तक नहीं रखा है, 2022 तक रखा है, ये ध्यान रखिएगा। 100 गीगावाट का तो रखा है लेकिन ये 2022 तक रखा गया है, ना कि 2025 तक रखा गया। उसमें तो कुछ अगला लक्ष्य रखा जाएगा, अभी 2022 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारस भारत का बाह्य ग्रह खोज मिशन है, ठीक है, और दूसरा है यह तमिलनाडु में स्थित है। भारत का जो बाह्य ग्रह खोज मिशन पारस है, ये जो है PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी एबू स्काई रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी एबू स्काई सर्च, ये इसका फुल फॉर्म है और ये बाह्य ग्रह खोज मिशन है, ये अलग से प्रश्न बन सकता है। और ये जो स्थित है ये माउंट आबू में स्थित है, और जरा बताइएगा माउंट आबू कहाँ है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस TESS मिशन को किसकी खोज के लिए डिजाइन किया गया है। जो टेस मिशन है ये नासा का ग्रह खोजी मिशन है, ट्रांसिजिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ट्रांसिजिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म है टेस का, ये नोट कर लीजिए आप। और ये नासा का है, ये भी आपको जानना चाहिए। और पृथ्वी के निकट तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए ये डिजाइन किया गया है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 4 कैमरे इसमें लगेंगे, 1 महीने तक ये आकाश की निगरानी करेगा, सितंबर 2022 तक इसका अभी कार्यकाल बढ़ाया गया है मिशन का, है ना, मतलब तब ये छोड़ा जाएगा, ये डिजाइन अभी कर लिया गया है। और अंतिम प्रश्न है, मुस्कुराइए कि अंतिम प्रश्न आ गया है, कृषि मेघ क्या है। कृषि मेघ जो है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का डेटा रिकवरी सेंटर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का डेटा रिकवरी सेंटर है ये। कृषि मेघ की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत NAHEP ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसी के तहत की जा रही है। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी है, ठीक है, NAARM, ये डेटा रिकवरी सेंटर वहीं पे स्थापित होगा और वो है हैदराबाद में, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट ये हैदराबाद में है, वहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा। कैसा लगा डेली 30 जरूर बताइएगा, आप लोग इंतजार करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बहुत मजबूरियां हो जाती हैं तो नहीं आता है, नहीं तो ये डेली आता भी है। आप लोग किसी भी हमारे कोर्स से अगर आपको अच्छा लगता है जुड़ने के लिए 6307281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको अच्छा लगा करे तो उसको शेयर कर दिया कीजिए। और इसके व्यूज बहुत घट रहे हैं, आप लोग फैमिली के मेंबर हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मजा आए जब ये थोड़ा ज्यादा व्यूज इसमें आए, लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो उपयोगी है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।